भारतीय टीम ने केप टाउन में खेले गए तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 6 विकेट के नुकसान पर ही 165 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 11 रन दिए। सुरेश रैना को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भुवनेश्वर कुमार को 3 मैचों में 7 विकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। आपको बता दें कि आखिरी T20 मैच में चोट की वजह से भारतीय कप्तान विराट कोहली नहीं खेल सके थे, उनकी जगह रोहित शर्मा ने टीम की कमान संभाली। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में भी दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह हराया था। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।